बहुत बार जब हम रोटी बना के रखते हैं तो वो किसी ना किसी कारण से बची जाती है। आज हम बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के रेडी करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पारुल फ्रॉम पारुल यूनाइट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें आधी चम्मच ज़ीरा और 2 हरी मिर्च काट के डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा प्याज लंबा काट के डालेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये पिंक नहीं हो जाता। अब हम इसमें 1/2 कटोरी मटर और 1/2 कटोरी बीन्स डालेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये मटर और बीन सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये देखिए, मटर और बीन सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, इसको भी मिला लेंगे। मेरे पास 4 रोटी बची हुई थी तो मैंने इसको मोटा मोटा तोड़ के और साइड में रख लिया था। हाथ से ही तोड़ेंगे, इसे मिक्सी में नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 4 ब्रेड जो मैंने पहले से ही चूरा करके रखी हुई थी, ये भी मैंने हाथ से ही तोड़ी थी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया मुझे ज़्यादा ही पसंद है तो मैंने बहुत सारा डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट और पकाएंगे और हमारा पोहा बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए आइए इसे सर्व करते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। See you then in the next video. Bye-bye.